कोरोना की सिचुएशन में बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ है और हम लोग अपने घरों में रहने पे मजबूर हैं। लेकिन जैसे ही कोरोना की ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी तो हम में से बहुत से लोग बाहर वेकेशन के लिए जाना चाहेंगे। और अगर आप भी वेकेशन के लिए प्लान करें तो मेरे पास आपके लिए एक टिप है गाइज। वियतनाम आपके लिए ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले तो वो बहुत खूबसूरत जगह है और दूसरा काफी इकोनॉमिक भी है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 100 इंडियन रुपीस लगभग 31,300 वियतनाम डोंग के बराबर है। अब आप लोग अंदाजा लगाइए कि वियतनाम की यात्रा आपके लिए कितनी सस्ती और अच्छी हो सकती है। गाइज ऐसी अमेजिंग टिप्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम कितनी सिम इशू करवा सकते हो तो आप लोग क्या कहेंगे? क्या इस सवाल का जवाब आपके पास है? चलिए मैं आपको बताता हूं और ये चीज आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि ये चीज आपको बहुत काम आएगी। ट्राई यानी कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार आप अपने आधार कार्ड से मैक्सिमम 9 सिम इशू करवा सकते हो, जिसमें से भी 6 सिम एक ऑपरेटर की होगी और बाकी बची हुई 3 सिम आप दूसरे ऑपरेटर की लोगे। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आधार कार्ड से मात्र एक ही नंबर कनेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। हाँ आप नंबर चेंज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन फ्यूचर आप लोग याद रखिए कि आप 9 सिम से ज्यादा मत इशू करवाइएगा अपने नाम से, अगर आपने करवा भी ली तो आप ट्रबल में आ सकते हो। गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजराइल डिफेंस फोर्स ने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया जिसमें 11 मई की रात हमास द्वारा छोड़े गए बहुत सारे रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते तो दिखते हैं लेकिन वो हवा में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई रक्षा कवच इजराइल की रक्षा कर रहा हो, लेकिन ये रक्षा कवच एक्चुअली इजराइल ने खुद ने बनाया है जिसका नाम है आयरन डोम। अब ये कैसे काम करता है समझिए। जैसे ही कोई रॉकेट इजराइल की टेरिटरी में आता है इसकी भनक डोम के रडार को लग जाती है और डोम का रडार इसकी पोजीशन और इसकी टेरिटरी की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को देता है। अब अगर कंट्रोल सेंटर को लगता है कि दुश्मन का रॉकेट कहीं किसी रिहायशी इलाके या फिर किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पे गिरने वाला है तो वो तुरंत एक कमांड रॉकेट लॉन्चर को पास करता है और रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट तुरंत दुश्मन के रॉकेट को हवा में ही नेस्तो नाबूद कर देता है। गाइज ये आयरन डोम की टेक्नोलॉजी आपको कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में। गाइस क्या आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है? फेविकोल, फेविस्टिक, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, ऑब्वियसली जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के फाउंडर और ओनर है मधुकर पारिक, जो कि पूरे इंडिया के 70वें सबसे अमीर आदमी है, जिनकी नेटवर्थ 13,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मधुकर पारेख जी पुश्तैनी रईस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था जब मधुकर पारेख जी मुंबई में एक लकड़ी व्यापारी के यहां पर पियोन की तरह काम करते थे। गाइस इसलिए कहते हैं कि बड़े सपने की शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इरादे मजबूत होने चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टाइलिश स्टार और बनी के नाम से मशहूर साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक और सीक्रेट सामने आया है और वो है उनका फेवरेट नंबर। गाइस अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है 666। अब ये नंबर भी कोई आम नंबर नहीं है, इसे डेविल्स नंबर कहा जाता है। अब स्टार खास है तो नंबर तो खास होगा ही। अब अल्लू अर्जुन का ये फेवरेट नंबर क्यों है, उसके पीछे का रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन का मोबाइल नंबर भी 666 से एंड होता है और उनकी गाड़ियों के नंबर प्लेट्स में भी आपको 666 देखने को मिल जाएगा। 2017 में अल्लू अर्जुन ने एक मर्सिडीज खरीदी थी, उसका नंबर भी 666 ही था, जिसकी नंबर प्लेट सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा था 666 द नंबर ऑफ बीस्ट। कुछ लोग इसे शैतान का नंबर मानते हैं लेकिन मेरे लिए ये स्टाइल है। गाइस क्या आपको अल्लू अर्जुन का ये सीक्रेट पता था? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।